दो दिनों से देश में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस नेता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कर रही है। दो दिन से ईडी ऑफिस में कांग्रेस सांसद से पूछताछ की जा रही है। ईडी के सहारे राहुल पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ना तो कांग्रेस और ना ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीएम मोदी या फिर उनकी जांच एजेंसियों के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि वो मोदी सरकार पर हमला करना जारी रखेंगे। तभी तो ईडी ने उन्हें लंच ब्रेक दिया, तो राहुल ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। क्या कहा राहुल ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी के तेवरों से लग नहीं रहा कि मोदी सरकार के वो दबाव में हैं। कांग्रेस सांसद मोदी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आज मोदी सरकार ने दावा किया कि 18 महीनों में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद ने तंज करते हुए ट्वीट किया। जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की ही नहीं, महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट हैं। ये ट्वीट राहुल गांधी ने ईडी से हुई पूछताछ के बीच में किया। पूछताछ के बीच राहुल गांधी को लंच ब्रेक दिया गया था, जिसमें वो घर गए और फिर दोबारा ईडी दफ्तर पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर तंज भी कस दिया। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि ईडी के हर सवाल का वो जवाब देंगे, जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देंगे। सवालों के जवाब पीएम मोदी ही नहीं देते हैं। कल यानी 13 जून को जब करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद रात को ईडी ने पूछताछ समाप्त की, तो राहुल ने ईडी अधिकारियों से कहा था कि अगर रात को भी पूछताछ करनी हो तो बता दें, डिनर करने के बाद सवाल जवाब शुरू कर सकते हैं। और आज सुबह जब राहुल ईडी दफ्तर पहुंचे तो उनका अंदाज वैसा ही था। ईडी के अधिकारियों ने उनसे मोबाइल को लेकर सवाल किया तो राहुल ने कहा कि ये देखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।